ये आ जाइए आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 5। इससे पहले एक बार फॉर्मूला आप लोग रिवाइज कर लीजिए। तो सबसे पहले जो हम लोग के पास होता था वैल्यू ऑफ राइट, क्या होता था वैल्यू ऑफ राइट, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था हम लोग के पास कि कम राइट वैल्यू में से हम लोग एक्स राइट वैल्यू को माइनस करते थे। तो यहां पर लिखते थे हम लोग कम राइट वैल्यू, इसमें से हम लोग माइनस क्या करते थे एक्स राइट वैल्यू, ये हम लोग। तो ये हम लोग का पहला फॉर्मूला हो गया था वैल्यू ऑफ राइट के लिए, क्या होता था कि कम राइट वैल्यू में से एक्स राइट वैल्यू को हम लोग माइनस करते थे। फिर दूसरा हम लोग का फॉर्मूला होता था क्या, एस एक्स राइट वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था कि कम राइट प्राइस, इसमें से हम लोग क्या करते थे कम राइट प्राइस में मल्टीप्लाई करते थे एग्जिस्टिंग शेयर प्लस करते थे हम लोग कम राइट जो प्राइस होता था उसमें एग्जिस्टिंग शेयर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इशू प्राइस होता था इशू प्राइस में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे जो न्यू शेयर मिल रहा था उससे और डिवाइड करते थे हम लोग जो भी एग्जिस्टिंग शेयर था प्लस में जो भी न्यू शेयर मिला यहाँ पर राइट इशू के फॉर्म में, तो वो हम लोग क्या करते थे डिवाइड करते थे इस दोनों से। तो ये हम लोग के पास दो फॉर्मूला था, इसी दो फॉर्मूला से हम लोग को वैल्यू ऑफ राइट निकालना होगा। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 में देख लीजिए क्या दे रखा हुआ, व्हाट शुड बी द एक्स राइट प्राइस ऑफ द शेयर, तो यहाँ पर एक्स राइट प्राइस कितना शेयर होगा और प्लस में हम लोग को कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। तो हम लोग को सबसे वैल्यू ऑफ राइट भी निकालना है, जो कैसे निकालेंगे तो कम राइट प्राइस में से हम लोग एक्स राइट प्राइस को माइनस करेंगे और दूसरा हम लोग को सम्स में एक्स राइट प्राइस भी निकालना है। अब सम्स में क्या गिवन है, अ कंपनी ऑफर अ न्यू शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर 1 for 4 बेस। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो दे रखा 150 का था, यहाँ पे इसमें आ जाए कॉपी में आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, कंपनी में सबसे पहले जो कम राइट प्राइस दे रखा हम लोग के पास वो कितना दे रखा, तो कम राइट प्राइस हम लोग के पास जो दे रखा हुआ ये रहा 150 का हम लोग के पास कम राइट प्राइस दे रखा हुआ। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले कम राइट प्राइस जो दे रखा हुआ वो कितना दे रखा, तो ये हम लोग के पास रुपीज 150 करके दे रखा हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है कंपनी जो इशू कर रहा है जो रुपीज 100 का शेयर जो 25% प्रीमियम पे चार्ज कर रहा है, इशू प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इशू प्राइस जो हो जाएगा रुपीज 100 का शेयर है इसमें 25% ऐड करेंगे हम लोग जो प्रीमियम है, तो इस तरह से यहाँ पर इशू प्राइस कितना हो जाएगा, तो 100 + 25% डेट इज 125 हम लोग के पास इशू प्राइस हो जाएगा, ठीक है। इसके पास यहाँ पे राइट का जो रेशियो दे रखा वो किस रेशियो में दे रखा, तो यहाँ पे बोला कि एडजस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जा रहा है 1 for 4 बेस, मतलब 1:4 के रेशियो में यहाँ पे राइट इशू दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिसके पास 4 यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का जो एग्जिस्टिंग शेयर होगा 4 उसे मिलेगा कितना शेयर, तो उसे मिलेगा न्यू 1 शेयर, तो यही यहाँ पे राइट का हम लोग के पास दे रखा हुआ है। इससे सम्स में हम लोग को निकाला था वैल्यू ऑफ राइट और उसके बाद निकाला था हम लोग के पास एक्स राइट प्राइस। तो वैल्यू ऑफ राइट के लिए हम लोग पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ राइट ये कैसे निकालते थे, तो वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए हम लोग के पास जो होता था फॉर्मूला वो क्या होता था, यहाँ पे कम राइट प्राइस इसमें से माइनस करते थे हम लोग यहाँ पे एक्स राइट प्राइस, तो कम राइट प्राइस में से हम लोग एक्स राइट प्राइस माइनस करेंगे तो हम लोग के पास वैल्यू ऑफ राइट आ जाएगा। कम राइट प्राइस सम्स में गिवन है जो कितना है 150, इसमें से अगर हम लोग एक्स राइट प्राइस जो भी हम लोग के पास आ जाएगा वो माइनस करने के बाद हम लोग के पास वैल्यू ऑफ राइट आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग को एक्स राइट प्राइस निकालना है, तो एक्स राइट प्राइस के लिए फॉर्मूला होता था, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स राइट वैल्यू के लिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला था वो कैसे होता था, तो हम लोग लिखते थे सबसे पहले कम राइट प्राइस इंटू एग्जिस्टिंग शेयर प्लस हम लोग करते थे इशू प्राइस इंटू राइट शेयर जो भी राइट शेयर के फॉर्म में मिलता था, इसमें हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर प्लस में जो भी राइट शेयर होता था उसे हम लोग ऐड करते थे। इस केस में हम लोग के पास कम राइट वैल्यू तो दे रखा 150 और जो एग्जिस्टिंग शेयर का दे रखा हुआ नंबर तो वो कितना हो जाएगा, तो 1:4 के रेशियो दे रखा, तो मतलब एग्जिस्टिंग शेयर जिसके पास 4 होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा एग्जिस्टिंग में प्लस में जो इशू प्राइस है वो कितना हो गया, तो 125, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 125 और इशू में कितना शेयर दिया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ न्यू शेयर दिया जा रहा है 1, मतलब राइट इशू कितना हो गया 1 में, और इसके बाद ये जो इसके पास जो शेयर हो जाएगा वो टोटल कितना हो जाएगा, तो पहले से 4 था प्लस में यहाँ पे 1 इशू किया जाएगा तो ये हो जाएगा 4+1, इसके इस तरह से हम लोग के पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 150 × 4 ये आ गया 600, फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे 125 और डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ गया हम लोग के पास 600 + 125 डिवाइड बाई 5, तो ये हम लोग के पास आ गया 145 जो क्या आ गया एक्स राइट प्राइस। तो पहला हम लोग के पास जो सेकंड नंबर का दे रखा हुआ था वो आ चुका है और फर्स्ट नंबर पे हम लोग के पास एक्स राइट प्राइस आ गया 145, तो इस तरह से वैल्यू ऑफ राइट कितना हो जाएगा, तो रुपीज 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ राइट।
और इसी के साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, और इस चैप्टर का जितना इलस्ट्रेशन प्लस में एग्जांपल का पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चलेंगे।